जाकर देख लो वहाँ पे, देखो कौन कुछ नहीं बोलो, ठीक है चलिए देखिए आप निकलना है। ट्रिपल डिग्री में है, 0 degree 30 degree 45 degree 60 और 90 degree का मान क्या होगा, क्या माने कि मान होगा। देखिए हम लोग इसको 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। 0 अब इसको बांटा देते हैं सबको, सबको क्या कर देंगे बांटा देते हैं। अब सब में 4 से भाग कर दीजिए, सबसे कितना से भाग कर दीजिए 4 से। अब इसको आप लोग वर्गमूल निकाल, वर्गमूल निकाल दीजिए आप लोग, वर्गमूल निकाल चलिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 0 माना, 1 2 3 4 माना, मैंने क्या किया सब में 4 से भाग कर दिया, सब में कितना से भाग किया 4 से भाग कर दिया। उसके बाद मैंने वर्गमूल निकालने का काम किया, सबका वर्गमूल निकाल दिया। चलिए यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। देखिए 0 पूरे 0 यहाँ हो जाएगा 2 पूरे 2। अब आप पढ़ लीजिए 0 में से 1 कर दीजिए, इसको बाहर निकालिए, 2 में 0 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/4 है, 1 × 1 कर दीजिए, 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप 2 में से 1 बाहर 1 हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर है 2/4, तो इसको अंदर 1/2 कीजिएगा तो 2 × 3 = 4, ये हो जाएगा 1/2 कितना 2। तो हम लोग चाहें तो इसको 1/2 √2 लिख सकते हो, 2/2 √2 लिख सकते हो, या 1/2 √2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 √2 कितना हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पर 3 है और 4 है, यह उसके अंदर है, 3 को तो नहीं कर सकते लेकिन 2 × 2 इसको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा √3/2 कितना हो जाएगा 2, √3/2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं √3/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 4/2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 भाग देंगे तो √1 हो जाएगा, इसमें 1 से 1 पूरा करेंगे, 2 में से 1 बाहर निकलिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसी मान को हम लोग इसमें निकाल देंगे, 0 1/2 √2 यहाँ पर √3/2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम लोग से तो पूछेगा साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे 1/√2। यहाँ पर कोई बोलेगा साइन 60 का मान कितना होता है, तो हम लोग बोल देंगे कि √3/2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर होता है साइन 90 का मान कितना होता है, तो हम लोग बोल देंगे 1। अब देखिए आप लोग, ये आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो समझ लो कि आप लोग आसानी से मान ज्ञात कर सकते हो। अब इसी को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे, चलिए 1 को आप लोग हम लोग यहाँ लिख देंगे, √3/2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 1/√2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये हम लोग लिख देंगे यहाँ। चलिए अगर कोई आप लोग से पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस यहाँ पे 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ये अगर आप लोग को समझ में आ गया तो हम लोग को सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब हम लोग को निकलना है, अब हम लोग को निकलना है टैन थीटा बराबर हम लोग का होता है साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कितना कॉस थीटा, हम लोग को टैन का मान निकलना है, टैन 0 का मान निकलना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 0/sin का, साइन 0 का मान कितना है 0, और कॉस 0 का मान 1 है, और 1 में हम लोग 0 सॉरी 1 से हम लोग भाग देंगे 0 में, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लोग नीचे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 1/2 कितना है 2 है, और इसमें हम लोग भाग करेंगे 3√3/2 से। चलिए यार हम आप लोग को बताएं 1/2 और पूरा करेंगे तो
यह ऊपर चल जाएगा यह नीचे हो जाएगा, यानी यह आर्म्स और ये हर हो जाएगा। तो हो गया, अब दो से दो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, एक बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा तीन। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक बटा रूट अंडर तीन, फिर हम लोग यहाँ पर करना पड़ेगा तो एक बटा रूट अंडर दो और एक बटा रूट अंडर दो, ये दोनों बराबर है, ये दोनों को हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक। अब चलिए थोड़ा सा आप लोग केयर कर लीजिए, यहाँ पर ध्यान रूट अंडर तीन बटा दो है और फिर इसमें हम लोग एक बटा दो से भाग भाग लीजिए, रूट अंडर तीन बटा दो दो बटा कितना हो जाएगा दो से दो कैसे रूट अंडर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और रूट अंडर हम लोग कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और हम लोग एक बटा जीरो, और जीरो में किसी संख्या से हम लोग भाग करते हैं तो उसका मान हो जाता है इन्फिनिटी, तो हम लोग इसको अपरिभाषित या इन्फिनिटी कर देंगे। अब आप लोग का जब तीनों समझ में आ गया साइन कॉस और टेन, अगर समझ में आ गया है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। चलिए अब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, चलिए देखो कोई आओ, अब यहाँ पे साइन का उल्टा होता है किसका, ये साइन का उल्टा होता है, उल्टा होता है साइन का उल्टा कितना होता है तो कॉसेक होता है, तो जीरो को उल्टा यहाँ पर इन्फिनिटी होता है यानी पलटता है, यहाँ पे एक बटा दो के उल्टा अगर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। अब देखिए एक बटा रूट अंडर कितना है दो है, इसको पलटिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, यहाँ पर कितना है रूट अंडर तीन बटा दो है, इसको पलटिएगा तो दो बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और एक को पलटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका उल्टा होता है कितना से, ये उल्टा होता है यानी ध्यान रखिएगा, अब हम लोग इसका एक का उल्टा करेंगे तो एक ही हो जाएगा, इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो दो बटा रूट अंडर तीन हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर दो हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो दो हो जाएगा, और जीरो को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाता है। अब हम लोग को साइन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, अब देखिए जीरो को हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक बटा दो एक बटा रूट अंडर तीन को करेंगे उल्टा तो यहाँ पर खाली तीन हो जाएगा, एक को उल्टा करेंगे तो एक हो जाएगा, एक बटा यहाँ पर रूट को करेंगे रूट अंडर तीन को उल्टा करेंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, और यहाँ पर कहा अपरिभाषित है इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये आप लोग को आसानी से बनाने आ गया होगा, ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं याद कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग को क्या करना है, जो यहाँ पर बताया गया था मान उस मान पर इसको आप लोग घर से क्वेश्चन कर लीजिएगा या बना के प्रयास कर लीजिएगा, और हमको कमेंट कर करके बताइएगा कि कौन सा मान का कितना आंसर होगा। चलिए